सभी जिलों में होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती। परीक्षा अगले हफ्ते तय होगी नई तिथि। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से स्टाफ नर्सों की 2,621 पदों के लिए 28 मई को होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के बाद सरकार ने सभी जिलों में लिखित परीक्षा कराने का फैसला लिया है। सोमवार को स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस संबंध में आदेश दिया है। 26 मई को दिखेगा अद्भुत नजारा। खगोलीय घटनाओं के शौकीनों के लिए 26 मई का दिन बेहद खास होगा। लोग चंद्र ग्रहण और सुपर मून दोनों खगोलीय घटनाएं एक साथ देख पाएंगे। बुधवार को चांद सफेद की बजाय सुर्ख लाल रंग का नजर आएगा। 7% बड़ा और 30% अधिक सुर्ख रोशनी बिखेरता चांद सुपर ब्लड मून कहलाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:17 से शुरू होकर 7:19 तक रहेगी। इसी दौरान सुपर ब्लड मून की घटना को शाम 6:49 पर 35 मिनट तक देखा जा सकेगा। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायत आ रही है। ऐसे में ऋषिकेश में लोग प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए घरों में पौधे लगा रहे हैं। लोग खासकर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले और हर्बल पौधे खरीद रहे हैं। IMA ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। 14 दिन में जवाब न मिलने पर दर्ज कराएंगे FIR। एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर वायरल टिप्पणी से नाराज। IMA की राज्य शाखा ने सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। IMA ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र भेजा है। उत्तराखंड में सालों बाद रेडियो बताएगा मौसम का हाल। उत्तराखंड में सालों बाद मौसम का हाल रेडियो पर बताया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सामुदायिक रेडियो केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन सचिव एस मुरुगेश्वर द्वारा प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों और कुलपतियों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। स्कूल को बना देंगे क्वारंटाइन सेंटर तो कैसे हो पाएगी बोर्ड परीक्षाएं। सरकारी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश से जिले के प्रिंसिपलों में नाराजगी है। उनका कहना है कि गर्मियों की छुट्टी के चलते ज्यादातर प्रिंसिपल स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी वापस आने के निर्देश नहीं दिए गए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ का एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल से मिला। अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मेडिकल लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पर जल्द नियमित नियुक्तियां कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। कोरोना को मात देने के लिए सैनिटाइजेशन पर जोर। वार्ड में हुआ छिड़काव। मंगलवार को वार्ड नंबर 58 तल्ली हल्द्वानी इलाके में समाज सेवी युगल शर्मा ने पूरे क्षेत्र को अपने संसाधनों से सैनिटाइज किया, जिसमें कि बाजारों से लगते हुए सभी घरों को सैनिटाइज किया गया। वार्ड नंबर 58 तल्ली हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण कर उन्होंने लोगों से अपील भी की कर्फ्यू का पालन करें और मास्क पहने। कोरोना की टेंशन भूलकर पहाड़ों में सुकून खोजने नैनीताल पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा। भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता संजय मिश्रा सोमवार देर शाम नैनीताल पहुंचे। इस बीच उन्होंने रंगमंच से जुड़े कलाकारों से भेंट की, साथ ही कहा कि मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के तनाव के चलते पहाड़ की वादियों में सुकून और शांति की तलाश में नैनीताल की ओर कदम बढ़ाए हैं। हल्द्वानी में कोविड कर्फ्यू को पुराने नियमों के साथ एक बार फिर 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। किराने और जनरल की दुकानें 28 मई को सुबह 8 से दोपहर 12 तक खुलेगी। मुख्य सचिव के कोविड कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी होने के बाद DM धीरज गब्रियाल ने भी आदेश जारी कर दिया है। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।